नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। में हूं आपके साथ शिल्पा। जुमे की नमाज के बाद जगह जगह हो रही हैं प्रदर्शन, विरोध जताया जा रहा है। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। यूपी के भी कई जिलों में, कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। नुपुर शर्मा के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, विरोध जताया जा रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर नमाजी वहां पर पहुंचे। नमाज अदा करने के बाद इन लोगों ने प्रदर्शन किया, मांग की कि नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, एफआईआर से काम नहीं होगा या फिर पार्टी से सस्पेंशन जो हुई है उन लोगों की उससे भी काम नहीं चलने वाला है। गिरफ्तारी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। सहारनपुर हो, प्रयागराज हो, लखनऊ, मुरादाबाद, ये तमाम शहर जहां पर हो रहे हैं प्रदर्शन। प्रयागराज में तो स्थिति अनकंट्रोलेबल होती हुई, क्योंकि वहां पर लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद फिर पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया गया। घरों से पुलिस पर पथराव कर रहे हैं लोग। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बिजनौर में भी माहौल बिगाड़ने की लोगों ने की कोशिश। यहाँ आम लोगों के बीच जो अराजक तत्व होते हैं, हिंसक तत्व होते हैं, वो अपने इन नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में होते हैं और उन्हें भीड़ का ही सहारा होता है। ये देखिए पांच तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके सामने। विरोध प्रदर्शन जहां पर हो रहा है, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद। कमोबेश तस्वीरें, कमोबेश स्थिति एक जैसी बनी हुई है। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर देखिए कितनी बड़ी संख्या में नमाजियों ने एकत्रित होकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया। लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। प्रयागराज में तो पथराव तक की स्थिति उत्पन्न हुई। वहां पर पथराव पुलिस की टीम पर लोगों ने अपने घरों में छिपकर किया, जो गलियों में गाड़ियां खड़ी हुई थी उनकी आड़ में छिपकर किया, जिसके बाद फिर पुलिस ने भी उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक्शन की सारी तैयारियां की हुई है। कुल मिलाकर स्थिति को हर हाल में नियंत्रित करना चाह रही है पुलिस की टीम। वहां पर सहारनपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर जमकर बवाल मचा, हंगामा हुआ, नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में नमाजी एकत्रित होकर बार बार इस मांग को दोहरा रहे हैं कि हमें गिरफ्तारी चाहिए, नुपुर शर्मा की, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। खासतौर पर नुपुर शर्मा को लेकर बकायदा हाथों में तख्तियां लेकर लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुरादाबाद से भी ऐसी ही तस्वीरें, ये पांच तस्वीरें देखिए, हालात बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, नुपुर शर्मा को बेशक से सस्पेंड कर दिया गया हो, पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, यही हाल, यही अश्र नवीन जिंदल का भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन इन लोगों की मांग है कि गिरफ्तारी हम चाहते हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता अमित मिश्रा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले ताजा हालात दिखाए वहां के, किस तरह की हलचल वहां पर है, पथराव तक वहां पर पुलिस की टीम पर हुआ है, क्या माहौल बना हुआ है अभी वहां और कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? जैसे ही कहते हैं पुलिस कर्मियों की बात करें तो जो इंटेलिजेंस लगी हुई है, उनको सूचना थी कि कुछ अराजक तत्व जो है वो नमाज के दौरान कुछ न कुछ हरकत कर सकते हैं। जिसको लेकर बात करें तो जिले के आला अधिकारी गश्त पर मौजूद थे। अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज संगम नगरी आस्था की नगरी है, इसलिए यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के चार चौबंद किए गए थे। प्रयागराज के एसएसपी लगातार फील्ड पर दौड़ रहे थे, लेकिन इसी दरमियान प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद वहाँ पर जो फोर्स है वो तैनात कर दी गई। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ कई थाने की फोर्स, पीएसी के बल जो है वो तैनात किए गए। वहाँ पे हल्की से कहते हैं पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने सभी पत्थरबाजों को खदेड़ा है। लेकिन माहौल की बात करें तो पूरी तरीके से माहौल जो है वहाँ पर एकदम तनावपूर्ण बना हुआ है। यानी कि अभी भी माहौल नियंत्रण में नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति वहां पर अभी भी बनी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा बल कितनी संख्या में वहां पर मौजूद है ताकि अनियंत्रित होती स्थिति को तुरंत हाथों में लेकर कंट्रोल किया जा सके, ज्यादा बिगड़ने ना दिया जाए? जी बिल्कुल, बता दें अगर पूरी फोर्स की बात करें तो पैरामिलिट्री के समेत लगभग 10,000 से ज्यादा जवान जो है वो प्रयागराज जिले में है। जिला है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। अटाला की बात करें तो जहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी वहाँ पर फोर्स की और बढ़ा दी गई है और वहाँ पर कई थाने की फोर्स को किया गया। इसके साथ ही साथ वहाँ पर भलवा करने वाले लोगों से निपटने के लिए तमाम तरह के कहते हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और जो लोग इस तरीके से उनको चिन्हित भी किया जा रहा है और उनको पकड़ने की भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ऐसे में प्रयागराज में पथराव तक वहां पर पुलिस की टीम पर हुआ, लोग छिप छिप कर वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है स्थिति को, लेकिन कंट्रोल में ही रहने पाए इसके मद्देनजर हर संभव प्रयास यहां पर देखने को मिल रहा है।
फिलहाल जब बड़ी संख्या में लोग एक जगह पर एकत्रित होने शुरू हुए थे, क्या पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी? कैसे उन्हें इकट्ठा होने दिया गया? उसी समय अगर एक्शन ले लिया जाता या फिर उन्हें तितर बितर करने की कोशिश होती या फिर उनके गुरुओं से बात करने के लिए उनसे अपील की जाती तो शायद स्थिति यहाँ तक ना पहुंच पाती। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जाहिर सी बात है प्रयागराज के सचिव अजय कुमार के साथ तौर पर कहना था, वो देर रात पहले ही कहते हैं जो धर्म गुरु थे चाहे उनसे सब बात कर चुके थे, उन्होंने पूरी तरीके से ब्रीफ किया। तो पुलिसकर्मियों की बात करें तो पुलिसकर्मियों को भी समझाया किसी तरीके से न करें, उनसे आराम तरीके से बात करें क्योंकि ये अपने कहते हैं नमाज अदा करेंगे। उसके बाद ये जैसे ही नमाज से निकलते हैं वहां पर भीड़ इकट्ठी थी, वही भीड़ में से कि उनको अराजकता तो जो थे वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और उन पत्थरबाजों को खदेड़ती है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे बात प्रयागराज की तो प्रयागराज में आला अधिकारियों द्वारा पुलिस की, उन्होंने पहले ही धर्मगुरुओं को मीटिंग की थी और पुलिस धर्मगुरुओं के साथ साथ कर्मियों को दिया किसी तरीके से क्या अगर पथराव होता है या किस तरीके से अराजकता फैलती है तो उसको किस तरीके से निपटा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना होती तो जाहिर बात कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े होते ही है। बिल्कुल टीला, हमारी मस्जिद के प्रशासन के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत किए जाने की आवश्यकता थी ताकि वो लोग अपील कर पाते और स्थिति को यहाँ तक ना आने दिया जाता। फिलहाल अमित, पथराव क्या अभी भी वहाँ पर चल रहा है या अभी ही थोड़ा शांति का माहौल है? नहीं, इस समय पर्याप्त मात्रा में वहाँ पुलिस फोर्स मौजूद हो गई है और पुलिस पूरी तरीके से अब एक्टिव हो गई है क्योंकि थोड़ी सी कहते कहीं ना कहीं पुलिस हिला वाली देखने को मिली है। गाइस वाले भले ही आला अधिकारी ये कहते बात कहते रहे हो कि हमारी मुतवल्लियों से बात हो चुकी है, हमारी धर्मगुरुओं से बात हो चुकी हो, लेकिन इस तरीके की अगर घटना होती तो ताल खड़े करते हैं, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे फोर्स मौजूद है और जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल कर लिया गया है। सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है लेकिन पुलिस बल वहां पर पूरी तरह से एक्टिव मोड में ताकि स्थिति अनियंत्रित ना होने पाए। दरअसल अमित, समस्या इस बात को लेकर नहीं है कि विरोध हो रहा है या फिर प्रदर्शन हो रहा है या फिर नारेबाजी हो रही है, समस्या इस बात को लेकर हो जाती है कि भीड़ की आड़ में जो अराजक तत्व अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं उसमें बेगुनाह फंस जाते हैं, फिर उसमें स्थिति खराब हो जाती है फिर। जी बिल्कुल, कई बार देखा गया है, अगर चाहे वो कानपुर जैसी घटना की बात कर ले या तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर क्या होता है कि कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए युवाओं को आगे करते हैं और युवा उसमें पूरी तरीके से फंस जाते हैं, उनके बाद उनके ऊपर मुकदमा होता है, मुकदमा चलता है, उनका पूरी तरीके से कैरियर जो होता है वो बर्बाद हो जाता है, तो इसमें मासूम भी कहीं ना कहीं फंसते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इसमें इन भीड़ों में कुछ ऐसे अराजक तत्व जो होते हैं वो अपने मंसूबे में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं, जो कि अगर बात करें तो प्रशासन व्यवस्था की कहीं ना कहीं फेलियर है क्योंकि इस तरीके के लोगों को वो पहचान नहीं पाते हैं कि समय रहते हुए ऐसे लोगों को पहचान कर सके, उनसे निपटा जा सके। अगर कहीं ना कहीं अगर इंटेलिजेंस अगर तेज होती तो यहाँ पर जो इस तरह की घटनाएं सामने निकल के आती है इस पर रोक लगाया जा सकता है। निश्चित तौर पर अमित, अब फिलहाल स्थिति आप बता रहे हैं कि पत्थर अभी नहीं चल रहे हैं वहां पर, कंट्रोल में है, लेकिन वहां पर लोगों को तितर बितर करने के लिए या फिर उन्हें अपने घरों को लौटाने के लिए किस तरह की कोशिशें दिखाई दे रही है? क्या कहीं बात चल रही है, धर्मगुरुओं से अपील की जा रही है कि वो अपने लोगों से बोले कि वो अपने घरों को जाए? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस समय साम दाम दंड सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी अपना रही क्योंकि बवाल और इलाके में न बढ़े, क्योंकि अगर बात करें तो प्रयागराज में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद लोग पत्थरबाजी शुरू की है, पूरी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, अगर बात करें तो वो वहाँ के धर्मगुरुओं से सीनियर लोगों से जो भी वहाँ के लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, नेता से बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को समझाया जाए, लोगों को समझाया जाए। लेकिन अगर बात करें तो पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी है, फोर्स लाठी का भी प्रयोग कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके से कोई भी अगर अराजकता फैलाता है तो उससे बल से भी निपटा जाएगा। तो पूरी तरीके से प्रशासन अभी मौके में मौजूद है और सिचुएशन को संभालने में पूरी एड़ी चोटी जो लगाई हुई है। कौन कौन से बड़े अधिकारी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं अमित, स्थिति पर मौके पर पहुंचे हुए हैं जो स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं? जी बता दें, अधिकारी सुबह से ही फील्ड में दौड़ रहे हैं, चाहे वो पैदा ही सकते हो एरिया जिला अधिकारी हो, सभी अधिकारी दौड़ रहे हैं और सबकी ड्यूटी की गई है पर्याप्त मात्रा में, सबको ड्यूटी में लगाया गया था, सबको जो भी नमाज स्थल थे वहाँ पे उनको तैनात किया गया था। मौके की बात करें तो मौके पे जिले के आला अधिकारी चाहे वो डीएम हो एसएसपी हो सभी लोग मौजूद हैं और पूरी तरीके से सिचुएशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन है वो कंट्रोल कर सके। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ सहारनपुर से हमारे संवाददाता दीपक तिवारी भी जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले सहारनपुर में किस तरह का माहौल, स्थिति कितनी तनावपूर्ण, अपडेट दीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको
नमाज बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ी गई। आला अधिकारियों ने पहले ही धर्मगुरुओं से बात करके सारी चीज को बिल्कुल एक नॉर्मल बना रखा था, लेकिन जुमे की नमाज के बाद अचानक ये लोग सड़कों पर आए और सड़कों पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। बस्तियों पर उन्होंने लिख रखा था नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है का बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको देखते ही देखते वो भीड़ बढ़ती गई, लेकिन पुलिस जो यहाँ थी वो पर्याप्त बल में थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम जुमे की नमाज यहाँ पर अदा की गई जामा मस्जिद, हाँ। और घंटा घर का लगभग एक किलोमीटर का दायरा है, एक किलोमीटर वो लोग इकट्ठे होकर यहाँ तक आए और लगातार नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर कहते रहे, अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। तभी जो है आला अधिकारियों ने स्थिति को जो है अपने हाथ में लिया और पूर्णतया से स्थिति को शांत कराने की पूरी कोशिश करी, जिसके बाद धर्मगुरुओं से बात भी की गई और धर्मगुरुओं से बात करने के बाद आपके पीछे में कुछ लोगों को देख रही हूँ, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, वो वहाँ पर किस मकसद के साथ पहुंचे हुए हैं और क्या कहना है उनका? देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे साथ काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह की इन्होंने पूरा आपने देखा भी होगा जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे। क्या कहेंगे? सबसे पहले जो कमी रही वो हमारे प्रशासन की रही, जब उन्हें पहले से ही पता था कि 10,000 या 20,000 घंटा आगे आएगा तो पुलिस प्रशासन IS, PDS, PDM साहब साहब सारी में थे, पुलिस प्रशासन 10,000 आदमी साथ 10 बंदा मौजूद नहीं था। क्या कार्रवाई होगी इसके ऊपर? क्या ईंटा मारी गई है दुकान पर, तोड़फोड़ हुई है? ये करोड़ों रुपए की दुकान है, ये जानना चाहेंगे आपको इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो कह रहे दुकान खोलो अगर कल को हमारे साथ, कल को फिर ये होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इस बात को बताइएगा। जब आएंगे जब कुछ और जब कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम जानते हैं आपका नाम। अनिल गुप्ता। अनिल जी आप क्या दुकानदार हैं यहाँ पे? मेरी दुकान है मिनी गारमेंट के नाम से। किस तरीके से सारा माहौल आपने देखा, किस तरह से आप जो है बताएंगे? सुबह से देख रहा हूँ माहौल, लगभग ये अंदाजा था कि भाई नमाज के बाद ये लोग सतर्क करने में जाए, दुकानदार भी सतर्क थे कि भाई कोई ऐसी घटना सरकार में से एक थे, इधर से गए लोग जुलूस की शक्ल में गए, लेकिन कोई घटना कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हमारा विश्वास और बढ़ गया क्योंकि शासन प्रशासन पे हमें बहुत जबरदस्त विश्वास था। 100% हम ये मान के चल रहे थे कि इस सरकार में झगड़ा हो ही नहीं सकता। ये इतना हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस था ये हमारा नुकसान करा गया। मैं खुद अपनी दुकान खोल के बैठा था, करीब यहाँ पे 100-150 दुकानदार बंद कर चुके थे, 15 से 20 दुकानदार ऐसे थे, हम थे इसमें बीच में, चावला जी थे, प्रधान जी थे और लोग थे कि भाई लोगों का हौसला ना टूटे, हमने इसलिए अपनी दुकान खोल के रखी। उसका खमियाजा हमें इस रूप से भुगतना पड़ा, इधर से लोग आए, कितनी हमारी मोटरसाइकिलें खड़ी थी उसमें तोड़फोड़ शुरू हुई। मैं दुकान के सामने अपने खड़ा हुआ था, जब पत्थर शुरू हुए लगने तो हमें एहसास हुआ कि भाई हमारी सुरक्षा नहीं होने, हमारी कोई सुरक्षा यहाँ नहीं है। मुझे जैसे ही पता चला हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे मित्र कहूँगा कि जिसने भी शहर की फिजा को अमन चैन को खराब करने का प्रयास किया है उसको चाहे पाताल से भी ढूंढ कर लाना पड़े, हम ढूंढेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति जब्त करनी पड़ी वो भी होगा, बुलडोजर चलाना पड़ा तो वो भी चलेगा उनकी संपत्ति पर, बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार का रवैया योगी शासन में संभव नहीं है, और कहीं और जगह उन्होंने करने का प्रयास किया तो उसका क्या अंजाम हुआ आप सब जानते हैं। सहारनपुर में नहीं कर पाए, जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि हम सभी लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, हालांकि कोई ऐसी अप्रिय घटना हमने नहीं होने दी है, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं कि इतनी भीड़ में हो सकता है कुछ उपद्रवी भी हो जो जिन्होंने हल्की फुल्की पत्थरबाजी की, किसको किस तरह से ठीक है? जो भी जिन्होंने भी ये प्लानिंग करी है उन्हें बख्शा नहीं जाने वाला। स्थिति वहाँ पर कुल मिलाकर किस तरह से कंट्रोल में रहे, यही कोशिश इस समय वहाँ पर तमाम अधिकारियों की हो रही है, सुरक्षा बलों की हो रही है। लोग भी लेकिन वहाँ पर काफी परेशान है, दुकानदार अपने कंसर्न जता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें लग रहा था कि यहाँ पर माहौल अनियंत्रित नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर भारी सुरक्षा बल मौजूद था, लेकिन जब पत्थर चलने शुरू हुए, पत्थरबाजी शुरू हुई, तो समय वहां पर उनकी मदद के लिए कोई उपस्थित नहीं था। इस वजह से उन दुकानदारों ने भी आनंद फानंद में फिर अपनी दुकानों को बंद किया और उसके बाद फिर माहौल लगातार बिगड़ता चला गया। ये देखिए तस्वीरें लगातार आपके सामने, और कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें तमाम शहरों से नजर आ रही है। आज जुमा है और जुमे की नमाज के बाद बात करें दिल्ली की जामा मस्जिद की, बात करें सहारनपुर की,
बात करें मुरादाबाद की, तमाम स्थानों पर और प्रयागराज में भी पत्थरबाजी हुई। लोगों ने अपने घरों में छिप छिप कर खाली प्लॉटों से और गाड़ियों की आड़ लेकर पुलिस पर पत्थरबाजी की, वो तस्वीरें भी हमने देखी। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को कानून अपने हाथ में ना लेने दिया जाए, उन्हें कंट्रोल किया जा सके। बातचीत का सिलसिला भी लगातार चल रहा है, चाहे वो धर्मगुरुओं के थ्रू हो या फिर आला अधिकारियों के थ्रू हो, लगातार कॉन्टैक्ट में है, संपर्क साधा जा रहा है, उन्हें बात करके मनाया जा रहा है कि वो अपने लोगों से बोले, अपील करें कि तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट जाए। दरअसल इन लोगों की मांग ये है कि भाई नुपुर शर्मा के सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, हम उन्हें गिरफ्तार होते देखना चाहते हैं। और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के साथ जुमे की नमाज तो अदा की, लेकिन उसके बाद तमाम नमाजी अपने अपने घरों को लौटने की बजाय, अपने अपने घरों को जाने की बजाय सड़कों पर उतर आए। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, कितनी बड़ी संख्या में, कमोवेश तमाम शहरों में ऐसी ही स्थिति इस समय इबादत के बाद जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अमित मिश्रा आपका, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। दीपक तिवारी आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।